नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की। 98 का स्टॉक हो चुका और 6 मिलियन शेयर्स अभी तक यहां पर ट्रेड हुए हैं। बात करेंगे इस वीडियो में। मार्केट अभी तक कोई बहुत बड़ी रैली में नहीं देखने को मिल रहा है, बहुत एक फ्लैट बाजार आपका खुला था ऑलमोस्ट, और वहां से मार्केट अपना प्रोग्रेस कर रहा है। हम बात करेंगे थोड़ा सा लॉन्गर टर्म की, क्योंकि 100 के आसपास आपका स्टॉक पहुंच चुका है। यहां से किस तरफ जाएगा, क्या टारगेट लेकर के चल रहे हैं, खबरें कौन कौन सी आ रही हैं, मर्जर की डेट कब तक है, कब तक मर्ज हो सकता है, और साथ में क्या आपको यहाँ पर निवेश फ्रेश बाय करना चाहिए, यानी उसकी भी चर्चा यहाँ पर होगी। मेरा गला बहुत दिनों से खराब था, अब थोड़ी बहुत राहत है यहाँ पे, तो मैं वीडियो कर रहा हूँ। बट हाँ, धीरे धीरे करके स्टार्ट करेंगे। वीडियो का जो फ्लो था वो दोबारा से कंसिस्टेंट होऊंगा मैं। अभी के लिए अगर आप देखोगे तो बाजार में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर के चर्चा बढ़ी है, क्योंकि लगातार अगर आप देखो तो जीक्यूजी जो पार्टनर्स है, उन्होंने जिसमें जिन्होंने अडानी में काफी बड़ा स्टेक बाय किया, अडानी ट्रांसमिशन में, अडानी पावर में, वो अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी एक बड़ा स्टेक बाय किया है इन्होंने। अभी के लिए अगर आप देखो, खबरें बहुत सारी हैं आपके लिए, और उन्हीं खबरों में ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरह से एमएसआई इंडेक्स में शामिल हुआ, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो लगातार इस कंपनी में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एफआईआई, नंबर ऑफ एफआईआई बढ़े हैं, और एफआईआई के स्टेक भी बढ़ा है। तो क्या आने वाले दिनों में आपको ऐसा देखने को मिल सकता है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो रैली है, जो 100 रुपए का स्टॉक है और मर्जर होने वाला है आईडीएफसी के साथ, 127 का स्टॉक है, तो इससे महंगा ये हो जाए, या फिर मर्जर रुक जाए, मर्जर ना हो, ऐसा क्या देखने को मिल सकता है, यानी उसकी चर्चा तो होगी यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हिट दैट बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात चार्ट की रही, थोड़ा सा चार्ट को अगर आप देखोगे तो चार्ट बेहतर देखने को मिल रहा है। 97 रुपीज के आसपास आपका अभी तक बना हुआ है, ठीक है, 98 के आसपास आप मान सकते हैं इसे। और अभी ओवरऑल अगर आप देखेंगे लॉन्गर टर्म का, हम चार्ट यहाँ पे देख रहे हैं, अपडेट नहीं हुआ है चार्ट यहाँ पे। बट हाँ, अगर आप देखोगे तो अब मैग्री जो है आपका वो बुलिश पैटर्न में है, और चार्ट भी एक अच्छा चार्ट पैटर्न बना हुआ, 22 मूविंग एवरेज के ऊपर आपका ट्रेड कर रहा है। टारगेट की जहां तक चर्चा रही है, टारगेट भी यहाँ पर बढ़ाए गए हैं लगातार, जिस तरह से जीक्यूजी ने यहाँ पे बाइंग की है। तो बड़ी फर्म अगर आती है, बड़ी फर्म यहाँ पे ऐड होती है, तो उसका एक असर देखने को मिलता है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट भी पब्लिश की अपनी, और रिपोर्ट में उन्होंने खास तौर पर इस बात पे ध्यान दिया है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आने वाले 3 से 5 साल काफी अच्छा रहने वाला है इसके लिए, और अगर आप लॉन्गर टर्म के लिए निवेश करके बैठते हो तो ये स्टॉक आपको चौंका सकता है। अच्छे नंबर से, अच्छे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, फाइनेंशियली कंपनी काफी स्ट्रांग काम कर रही है, और यही कारण है यहाँ पे बड़ी कंपनीज जो है वो ऐड हो रही है लगातार। और मर्जर की खबर भी जहां तक रही है, उसको भी डिस्कशन करें, उसे आप खबर देख लीजिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लगभग जीक्यूजी ने 2% के आसपास का स्टेक बाय किया था, और उसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो पिंकस ने लगभग 4% के आसपास बेचा भी है। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ खरीदारी हुई है। फोर्ट लॉडरडेल बेस्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनी जीक्यूजी पार्टनर्स आर हैज पिक्ड 2.6% स्टेक इन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो जीक्यूजी पार्टनर इमर्जिंग मार्केट इक्विटी फंड है यहाँ पे, जिन्होंने 6.38 करोड़ इक्विटी शेयर्स, एंड गोल्डमैन फंड परचेज 10.77 करोड़ शेयर्स एज पर द बल्क डील डेटा अवेलेबल ऑन द बीएसई। तो गोल्डमैन सेक्स ने भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 10 करोड़ शेयर्स लगभग यहाँ पे बाय किए हैं। तो दो बड़ी फर्म्स यहाँ पे ऐड हुई हैं, और दोनों ही बड़े नाम है। गोल्डमैन का तो नाम आपने सभी जानते हैं यहाँ पे, और जीकेजू का भी नाम आप सभी जानते हैं। तो करना क्या है भैया, लंबे समय के लिए रखें, फ्रेश बाय करें, इस सवाल पे आए दोबारा से हम तो। 100 रुपीज का मार्क है आपका, 100 रुपीज के आसपास थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, और अगर 100 क्रॉस करके बंद होता है, 101 102 के करीब में अगर बंद होता है, क्लोज होता है हमारे क्लोजिंग बेसिस पे, तो आसानी से स्टॉक में जो शॉर्टर टर्म का टारगेट रहेगा वो 114 के करीब का आप देख सकते हो। साथ में 145 के आसपास का जो एक्सिस बैंक का टारगेट था वो भी आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। फ्रेश बाय करना कैसा रहेगा, बिल्कुल आप फ्रेश बाय कर सकते हो यहाँ पे, रडार पे रखिए, फ्रेश बाइंग के लिए स्टॉक अच्छा है, परफेक्ट स्टॉक है। बाकी देखिए, मार्केट की वोलेटिलिटी को अगर मैनेज करते हो तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा मुनाफा आने वाले दिनों में देखने को मिल जाएगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि स्टॉक्स में कभी भी आपको किसी के कहने पे बाइंग नहीं करनी है, ना ही सेल करना है। रीजन वही है कि कंपनी में मुझे नहीं, कुछ चीजें आपको पता होंगी, कुछ चीजें मुझे पता होंगी, मैं अपने रीजंस की वजह से बाय करूंगा, आपको हमेशा अपने रीजंस के ऊपर ही बाय करना चाहिए, ताकि अगर कभी वोलेटिलिटी बाजार में देखने को मिले तो जब नीचे आए स्टॉक, आपका थोड़ा बहुत करेक्शन हो तो वहां पे आप उसे होल्ड कर सके। क्योंकि जितना लंबा किसी भी स्टॉक को आप होल्ड करते हैं, जितना लंबा किसी अच्छी कंपनी को आप लंबा होल्ड करके चलेंगे, उतना अच्छा मुनाफा आपको उसमें मिलेगा। ठीक है, खरीदारी कर सकते हैं आप, इसमें कोई दो राय नहीं है, होल्ड कीजिए अगर आपने ऑलरेडी बाय कर रखा है तो। बाकी लास्ट कॉल ऑलवेज बी योर्स, क्या आपकी स्ट्रेटजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यही खत्म करेंगे, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड यस प्लीज कमेंट बिलो अगर पूछना हो तो। थैंक यू।